वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है? आप सब लोग ठीक होंगे? मैं हूँ आपका प्यारा भाई मोहम्मद समीउल्लाह। जैसे कि हम आज जा रहे हैं उमर भाई की दूसरी नर्सरी पर, नर्सरी का विज़िट करने के लिए। शायद वो नर्सरी पर ना हो और हमें पौधों के इतने नाम भी नहीं आते। आपको फिर सारे पौधे दिखाएंगे, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। पौधों के नाम हमें वैसे नहीं इतना पता, आपको दिखाएंगे वीडियो सारी। ये सारा व्यू देखें, पीछे हमारा व्लॉग शुरू हो गया है और एंड तक जरूर देखना। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर चलते हैं आगे। ये देखें, ये मकई लगनी शुरू हो गई है। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा लग गई है मकई। और ये पाकिस्तान का ये शहर जो है उखाड़ा, इधर सबसे ज़्यादा मकई लगाई जाती है। ये टॉप पर आता है मकई के हवाले से पाकिस्तान में। ये उखाड़ा में मकई काफ़ी लगाई जाती है। चारों तरफ जिधर भी देखें आपको मकई नज़र आएगी। दूसरी तरफ हमने जो पहले वीडियो बनाई थी, दूसरे गांव जाकर वहां ज़्यादातर कनक ही ज़्यादा लगाई जाती है, और कनक ही वहां थी। मकई भी लगाई जाती लेकिन वहां कनक ज़्यादा लगी हुई थी। और ये देखें, हर तरफ मकई मकई है चारों तरफ। ये मौसम मकई का शुरू हो गया, इस वजह से यहाँ मकई हर तरफ मकई मकई लगी हुई है। और ये देखे, एजाज भाई भी मेरे साथ आया है आज। ये देखे हमारा जो छोटा छोटा भतीजा तकवीम। तकवीम, घर जाना है या चलें वीडियो बनाने के लिए? वीडियो बनाने चले चलें वीडियो चले बनाने वहाँ के। चलो फिर हम चलते उधर। हैं, काका कह रहा है कि चलें। फिर हम आगे जाते हैं और नर्सरी यहाँ से पीछे से ही आपको दिखाते हैं व्यूज थोड़ा सा आपको। ये देखें, नर्सरी के बस नज़दीक हम पहुँचने वाले हैं और फिर आपको बताएंगे सारी। पौधों के नाम तो हमें नहीं आते इतने। एजाज भाई से पूछूंगा, अगर इसे आते हैं तो। वो भाई ने उस दिन बताए तो थे लेकिन भूल गए थे हम। फिर आपको दिखाएंगे। ये सारी ज़मीनें हैं, ये मियाँ फैमिली की हैं ज़मीनें और चौधरी फैमिली की हैं। चले फिर आपको दिखाते हैं आगे जाकर। पहुँच आए हैं उमर भाई की नर्सरी पर। ये देखें, ये जंगल सारा बना हुआ है। ये देखें जंगल, खौफ आप लोगों को भी देखकर आ रहा होगा। ये देखें, ये टूवल भी है यहाँ पर, ये टूवल है। ये देखें, आगे चलते हैं और दिखाते हैं सारा। आजाद भाई उमर है नहीं है? नहीं, उमर नहीं, भाई, वो ये देखें ये सारे उनका। पौधे। था इसलिए वो चले गए मुझे लगता। ये पौधा कौन सा है आजाद? वो जो उनसे उसने बताया था, स्टेडिस है पौधा, दरवाजे के आगे लगता है। अच्छा, ये देखें ये सारे, ये सजावट के लिए ये हैं पौधे और काफ़ी बड़े हुए। इसकी उमर भाई लगता सही करता नहीं है देखभाल। ये नर्सरी जंगल बना हुआ है, हमें भी थोड़ा थोड़ा खौफ आ रहा है। ये देखें, ये सारा देखें, हम अंदर तक आ गए हैं। अब हमें बाहर जाने के लिए रास्ता भी भूल चुके हैं हम, काफ़ी आगे आ गए हैं। ये देखें, ये सारे पौधे लगे हुए हैं। जाद भाई फिर हम आगे चलते हैं, वापसी का रास्ता ढूंढते हैं कहाँ से निकलना है। ये आम केले के पौधे हैं, ये देखें ये केले के, और वो पीछे वाले ये सजावटी पौधे हैं। चलो फिर हम चलते हैं आजाद भाई, उधर वो वहाँ से दिखाने हैं। चलो वहाँ से चलते हैं, वहाँ सब भाइयों को दिखाते हैं। दो दफ़ा पहले भी ये देखें, ये सारे सजावट। ये फिर आगे उमर भाई की ज़मीनें आ जाती हैं। ये इन्होंने भी मकई लगाई हुई है। ये पानी लगा हुआ है ज़मीन, किसी की ज़मीन को। ये इन्होंने पौधों अपने को पानी लगाया हुआ है। ये देखें, फिर आगे चलते हैं, आपको बाहर निकलकर फिर बताते हैं बाकी भी सारा। ओके, हम फाइनली बाहर आ गए हैं। और ये देखें, ये फूलों के दरख्त हैं। फूल ये देखें, ये फूल, फूल ये फूल हैं। यहाँ से ये फूल उतार उतार कर बेचते भी हैं। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो यहाँ से आके ले सकता है फूल भी। आजाद फिर चलते हैं हम। ये रास्ते पर, सही रास्ते पर आ गए हैं। ये हम बाहर निकलने के लिए रास्ता है।
हम फाइनली बाहर निकल आए हैं और आगे चलते हैं और जाकर फिर वीडियो का एंड भी करते हैं। कौन से ये वाली, ये वाली ये लगी, ये आजाद भाई कह रहा है कि अंगूरों की वेल है और सात आड़ू लगा हुआ है। आड़ू, ये सात आड़ू का दरख्त है, जामनू का दरख्त है, ये जामनू का ही है या कुछ कोई और चीज है, जामनू ही है। चलो फिर चलते हैं बाहर, हम निकल आए हैं। जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।